आपने शायद ही कभी सुना हो कि ऑपरेशन के दौरान कोई मरीज पियानो बजा रहा हो, लेकिन राजधानी भोपाल स्थित एम्स हॉस्पिटल में ब्रेन सर्जरी के दौरान एक मरीज पियानो बजाता रहा। इतना ही नहीं, पूरे ऑपरेशन के दौरान मरीज पूरी तरह होश में भी था और बातें भी कर रहा था। दरअसल बिहार से भोपाल एम्स में इलाज कराने आए मरीज को दिल के दौरे पड़ने की बीमारी थी। ऐसे में एनीथीसिया देकर ऑपरेशन करने पर कमजोरी विकसित होने की ज्यादा संभावनाएं थी, जिसके चलते डॉक्टर ने अवेक क्रेनियोटोमी का निर्णय लिया और ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। अभी हमारे यहाँ एक पेशेंट की ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी की गई है, जो कि ऑपरेशन के दौरान पूरी तरह से होश में था। इस प्रोसीजर को अवेक क्रेनियोटोमी कहा जाता है। इस प्रोसीजर के दौरान वो मरीज का ट्यूमर जब निकाला जा रहा था, उसी दौरान वह पियानो भी बजा रहा था और पेपर भी पढ़ रहा था। उसने बीच में हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। इस प्रोसीजर के पहले एक स्पेशल तरह के MRI होता है, जिसे कहते हैं हम फंक्शनल MRI, वो भी शायद सिर्फ एम्स भोपाल में ही है। और ऑपरेशन के बाद पेशेंट का ट्यूमर पूरा निकाला जा चुका है और पेशेंट पूरी तरह से हाथ पैर चला रहा है और पूरी तरह से होश में है। इसमें एनेस्थीसिया विभाग का भी काफ़ी हाथ रहता है, जो कि काफ़ी सपोर्ट करते हैं हमको ऐसे केस करने के लिए। और ऐसे केस स्पेशलाइज सेंटर में ही होते हैं। इसमें हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर का, प्रोफेसर अजय सिंह का भी बहुत प्रोत्साहन रहता है कि ऐसे केस एम्स भोपाल में हो, ताकि इंस्टीट्यूट का भी नाम आगे बढ़ सके। आपको बता दें कि एम्स भोपाल के न्यूरो सर्जरी विभाग में जिला बक्सर बिहार के एक 28 साल के युवा के ब्रेन ट्यूमर का अवैक क्रेनियोटॉमी ऑपरेशन किया गया। पूरे ऑपरेशन के दौरान मरीज पूरी तरह होश में था और बातें भी कर रहा था। मरीज के दिमाग का ट्यूमर बेहद करीब था और सामान्य एनीथीसिया में ऑपरेशन करने पर कमजोरी भी हो सकती थी, इसलिए ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण था। क्या दिक्कत हुआ था आपको? सर, ब्रेन में दर्द रहती थी, उसकी वजह से ऑपरेशन हुई। अच्छा, ठीक है। आपका ऑपरेशन कैसा हुआ, याद है आपको? अच्छा हुआ सर, हमको याद है। और अच्छा, मैं होश में था सर। अच्छा, आपको पता है कि आपको आपने कुछ किया था ऑपरेशन के दरमियान? जी। क्या किया था? एक ऐसा कीटाड़ बजाया था सर। अच्छा। न्यूज पेपर भी पढ़े थे। अच्छा। उस टाइम में हुआ, मैं होश आस में था सर। अच्छा, और कुछ मंत्र वंत्र भी पढ़े थे सुना मैंने? जी सर। कौन सा? हनुमान चालीसा सर। बढ़िया, ठीक है। अच्छा, तो आपका अगर हम केस कुछ पब्लिश करें, आपको दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, हमको बिल्कुल नहीं सर। अच्छा। मरीज बार बार दौरे पड़ने की समस्या लेकर न्यूरो सर्जरी OPD में आया था। उसे संपूर्ण मूल्यांकन के लिए अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। प्रोफेसर अमित अग्रवाल, डॉक्टर आदेश श्रीवास्तव और डॉक्टर सुमित राज, डॉक्टर प्रदीप चौकसे द्वारा अंतर विभागीय बैठक आयोजित की गई और हाथ पैरों की कमजोरी के जोखिम को कम करने के लिए अवैक्रेनियोटॉमी का निर्णय लिया गया। खास बात ये रही कि पूरा ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ।